हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी डीटीएफटी के बारे में। इससे पहले हम चार प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ये पांचवी प्रॉपर्टीज है। देखो ये क्या कहती है, अगर एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो इसका डीटीएफटी अगर एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा है, देन एक्स ऑफ टाइम रिवर्सल मतलब टाइम को रिवर्सल कर दो, एन को किससे रिप्लेस कर देते हैं माइनस एन से, देन डीटीएफटी में क्या फर्क आता है, ओमेगा को किससे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस ओमेगा बाय माइनस ओमेगा। ओमेगा को किससे रिप्लेस कर देना, माइनस ओमेगा से, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखो तो पहले इस सिग्नल का डीटीएफटी निकालना, तो मैंने बताया था अगर डीटीएफटी है तो इसे इंपल्स की फॉर्म में लिख लो। सबसे आसान इंपल्स से ही पड़ेगा इसका डीटीएफटी निकालना। तो जहां पे मार्क नहीं किया होता वहां पे क्या होती है, पोजीशन शुरू होती है लेफ्ट से, यानी एन इक्वल्स टू जीरो से पे ये होगा, ठीक है। फिर होगा ये एन इक्वल्स टू वन पे होगी एक इम्पल्स जिसका मैग्नीट्यूड तो होगा, और देन ये होगी जिसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड टू होगा उसका, और जहां पे ये होगी वहां एन इक्वल्स टू वन और ये एन इक्वल्स टू टू, ठीक है। इसी अगर मैं कहूं या और अगर मैं इसको लिखना चाहूं इंपल्स की फॉर्म में, तो इसका लिखो पहले वन इंटू डेल्टा एन प्लस उसका मैग्नीट्यूड, देन उसकी पोजीशन एन माइनस, पोजीशन कितने पर है वन पर, देन उसका मैग्नीट्यूड और उसकी पोजीशन कितने पे टू पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, एक्स ऑफ एन होगा। तो मुझे मुझे पहले मैं एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा निकाल लेता हूँ। जब एक्स ऑफ माइनस एन का निकालने जाऊंगा क्या कर दूंगा, ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा। बस निकालते हैं जल्दी से इसमें क्या, तो एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा कितना आ जाएगा जल्दी से निकालो। डेल्टा एन का तो वन होता है, डेल्टा एन माइनस वन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पहले वन से शिफ्ट करा तो मतलब एन नोट की वैल्यू कितनी है, ये माइनस वन जे ओमेगा एन नोट की वैल्यू वन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म वन। यहाँ पे टू से देखो मैं पढ़ा चुका हूँ ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर किसको दिक्कत है तो अगर नहीं देखी है तो वो पीछे जाके देख सकता है, मल्टीप्लाई बाय वन। तो मेरा एक्स ऑफ e की पावर से ओमेगा कितना आ गया, वन प्लस टू e की पावर माइनस जे ओमेगा प्लस e की पावर माइनस जे टू ओमेगा, ठीक है। अब हमसे x ऑफ e की पावर x ऑफ n का तो पता चल गया, x ऑफ माइनस n का कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, वही सिंपल रूल, x ऑफ माइनस n का जो dTFT होगा वो कितना किसके इक्वल होगा, एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा को किससे रिप्लेस कर देना, माइनस ओमेगा से। तो एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा है ही मेरे पास, तो एक्स ऑफ इसमें इसका कितना हो जाएगा, यानी एक्स ऑफ माइनस एन का जो डी टी एफ टी है वो क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ ई की पावर जे माइनस ओमेगा, कहीं कहीं पे माइनस जे ओमेगा लिखा होता है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन न रहे कि ओमेगा को रिप्लेस कर देते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट माइनस लगा देते हैं, ठीक है, वहां पे गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो बस जहां जहां पे ओमेगा आ रहा है एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा ना, वहां पे लिख देना मुझे माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे आ रहा तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस ओमेगा, यहाँ पे आ रहा तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस जे ओमेगा, पहले टू आ रहा वहां पे वो टू को मिस नहीं कर देना, ठीक है, जे टू ओमेगा की जगह फिर माइनस ओमेगा। तो ये हमारा कितना आ गया आंसर, क्या आ गया, इसको हमने सोल्व कर लिया तो एक्स ऑफ माइनस एन का डी टी एफ टी कितना आ गया, वन प्लस टू, दो माइनस माइनस क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, तो हो जाएगा जे ओमेगा प्लस थ्री
की पावर जे टू ओमेगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ माइनस एन का कितना आ गया, वन प्लस टू ई की पावर जे ओमेगा प्लस थ्री ई की पावर जे टू ओमेगा, ठीक है। काफी आसान है, ज्यादा कुछ नहीं। जहां पे माइनस एन करना है तो क्या कर देंगे, ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा, यही है बस टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल पढ़ ली, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ।